छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अनिल मानिकपुरी को कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन चुनाव के दिन अचानक विद्या ताम्रकर का नाम सामने कर दिया गया। विद्या अध्यक्ष चुनाव जीत भी गई। इसके बाद कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति हो गई। वहीं भाजपा सरकार में परिवहन मंत्री रहे राजेंद्र पाल भाटिया और भाजपा पार्षद मोहसिन खान की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें पूर्व मंत्री भाटिया द्वारा महिला नेत्री के बारे में गंभीर व गंदी टिप्पणी की गई है। इस मामले को लेकर महिला नेत्री ने दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप सुनिए वह ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री भाटिया द्वारा महिला नेत्री के बारे में गंभीर व गंदी टिप्पणी की जा रही है। सत श्री अकाल पाजी। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। हेलो सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। पाजी क्या डिसीजन लिए तुम्हारे यहाँ? डिसीजन ये लिए है कि साधना सिंह को वोट नहीं देना है करके। हाँ। और उसके बाद उसके अलावा जो भी आता है हाँ। उसको देंगे वोट। नहीं वो ठीक है। हाँ। मेरे से बात किया था मानिकपुरी। अच्छा तो अभी मतलब कुछ दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? मानिकपुरी तो देने तैयार है। हाँ मतलब वो तो पैकेज देने के लिए रहते थे। क्या बोलते किशोर ने बेचारा भेड़ा ही है। किशोर ने बोला है दो तीन मरतबा भाई तुम्हारा पैकेज छोड़ देता हूँ घर के। मैं बोला भाई पैकेज की जरूरत नहीं है, मैं तेरे प्रॉमिस कर रहा हूँ साधना सिंह को मैं आउट नहीं दूंगा। नहीं सुनो ना ऐसा नहीं छोड़ो मत। नहीं छोड़ नहीं रहा हूँ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ भैया। मैं समझ रहा हूँ बार बार नहीं मिलता। अपुन ने वैसे भी खर्चा किए भाई ठीक है ना। और मैं क्या है मेरा तरीका यही है। ठीक बोलो। हाँ क्या है कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भोसड़ी खुद खा जाते हैं और नीचे वाले बेच देते हैं। वैसा काम नहीं करता मैं। हाँ, तो मिले कितना पैकेज दे रहा है वो? ये तो किशोर नहीं बता रहा है। नहीं मैं बात करता हूँ उससे। सुनो ना। हाँ। कितने लोग तुम? दो हो गए तीन? तो टोटल चार लोग हैं। ये चारों हो एक साथ के अलग अलग के इधर उधर? अब सुनो ना एक नई बात आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छी बात क्या है कि हम लोग जो है दूसरे को खड़े कर रहे हैं। हाँ। अनिल के खिलाफ। हाँ। और उसके अंदर में पूरी हम लोग का समझ लो सेटिंग हो गई है। और अच्छा। चार एक साथ हो गए हैं हम लोग। हाँ, और कांग्रेस के चार ए पांच। हाँ, हाँ, हम लोग नौ लोग हो गए हैं। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं अभी दोनों पार्टी को बजा दे रहे हैं। साधना सिंह को बजा दे रहे हैं और अनिल को बजा दे रहे हैं और नया चेहरा ला के दे रहे हैं वहाँ पर। अच्छा उसके लिए एग्री हो गए सब लोग। तो इसमें मैं पैसा नहीं ले रहा था। आज मेरे को दो मरतबा तीन मरतबा किशोर बोला पैसा रख लो पर क्या उसको धोखा हो जाएगा जब हमारे नहीं, लोग नहीं, 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 ठीक है सुनो ना जो वो नौ लोग जो हम तैयार हो गए ना तो हाँ, वो जो पैकेज अनिल मानिकपुरी दे रहा है वो पैकेज हाँ, को मैनेज कर रहा है जिसमें वो साधना हाँ, सिंह नहीं है हाँ, अनिल भी नहीं है दूसरा आदमी कर रहा है पैकेज पूरा। अच्छा, तो जब हमारे को नया चीज मेरा कारण ये भैया कि हाँ, अनिल मानिकपुरी ने हमारे आज तक भाजपा जो थी ना प्लस थी यहाँ पर पार्षदों के नाम पे पहली बार ऐसा इतिहास हुआ कि 11 सीट कांग्रेस आ गई। उसका कारण यह है उसने भयंकर वर्चस्व बना लिया शहर के अंदर में। हाँ। अब उसको अगर दोबारा चांस मिल गया ना तो 15 की 15 सीट गिफ्ट में जाएगी कांग्रेस को गिफ्ट। हाँ। वो इतना काम करा देता है लोगों का इतना जिसने नल बोला तो नल फट से उसका हो गया व्यक्तिगत बोलो या भाजपा कांग्रेस दोनों को लेकर चलता है पर हाँ। लड़ता तो कांग्रेस से है वो हाँ। है तो हमारे अगेंस्ट पार्टी का हाँ। तो हम जो है ना हम हाँ। कमजोर हो जाएंगे। नहीं नहीं सुनो ना जी ये ऑप्शन सक्सेस होना चाहिए बहुत बढ़िया 101% सक्सेस हो रहा है ये मैं गाड़ी में चल के बता रहा हूँ आपको। बात सुनो ना हाँ। ये जो आप लोग नौ लोग हो नौ लोग हो गए रात के 2 बजे हमारी मीटिंग हुई है 2 बजे रात तक की मीटिंग चली है। सुनो ना ये नौ लोग हो जाओ अलग हट जाओ हाँ। वहाँ मत रहो साले को। नहीं गायब हो रहे हैं हम लोग आज रात को निकल जाएंगे और कल है और कहीं भी चाहे साले को नांदगांव रुक जाओ होटल बढ़िया होटल में जी 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 बड़े होटल में रुक रहे हैं। ओ और हमारा इसलिए मैं किशोर को ये बात आपको इसलिए बताया कि आप मेरे गुरु हो करके। अरे नहीं नहीं, नहीं मैं देखो तुम तो आपने मेरे को बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा हाँ। आपका प्रपोजल जी एकदम एक नंबर है नहीं अपने एक नंबर एक तो, नंबर और हालांकि वो कांग्रेस की है पर वो हाँ। आने दे कांग्रेस कमजोर होगी हाँ। क्योंकि सुस्त है वो हाँ, ठीक है। अगर अनिल आ गया तो अभी और विधानसभा तक के और कांग्रेस को मजबूत कर देगा वो।
अच्छा दूसरा ये है उपाध्यक्ष कम से कम तुम्हारे चार में से एक जने को बना। हाँ, वो सब हो गया है, वो सब सेटिंग चल रही है। बस बस एक बस, जन बस, को उपाध्यक्ष बनाएंगे हमारी पार्टी को। हाँ, और इन लोग का दुश्मन असली बात अनिल है। हाँ, तो फायदा हमको मिल रहा है। हाँ, अब ये बात मैं किशोर को इसलिए नहीं बताया कि वो किशोर का उससे थोड़ा दोस्ती आ रही है अनिल। नहीं नहीं, एक बात और बता रहा हूँ। हाँ, उससे भी साले से बात हजम नहीं होती, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपसे शेयर किया है बात को, अभी तक ये बात नहीं, 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 मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ऐसा अगर कर दिए, हाँ, और सक्सेस हो गए, अरे आप लिख लो कल का, कल शाम को आप 5 बजे आपको मैं आप लोगों को बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ फिर इंशाल्लाह। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को कुछ नहीं मिलना है। हाँ, पर आप लोगों की ये जो प्लानिंग है, इससे इतनी खुशी हो रही है। अरे बाप रे, नया करने वाले। बस 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 बस, हमारे लिए तो दोनों साफ है, साधना सिंह भी साफ है, अनिल भी साफ है, क्योंकि कांग्रेस को भाजपा को नुकसान करने वाले हैं दोनों। हाँ, बजा दो इनके सालों की। इनकी बजा देते, दोनों को साइड कर देते, इतना कमजोर प्रत्याशी ला देंगे सामने में कि वो भी देखते रह जाएगा, अरे बाप रे करके। कोई मैनेज कर रहा है पीछे में, अशोक वर्मा मैनेज कर रहा है इस बात को, क्योंकि अशोक वर्मा का दुश्मन अनिल मानिकपुरी है। हाँ, दुश्मन नंबर वन जिसको बोलते हैं ना। हाँ, वो है, तो वो बोलता है भाजन में हर चीज बर्दाश्त है मेरे को। आपने सुना कि किस तरह से पूर्व मंत्री भाटिया द्वारा महिला नेत्री के बारे में गंभीर व गंदी टिप्पणी की गई है। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में सीएम हाउस के कथित फोन कॉल के नाम पर गड़बड़ झाला होने का मामला सामने आया है। सीएम हाउस से फोन आने की बात कर पहले कांग्रेस के एक उम्मीदवार के नाम पर पर्यवेक्षक ने व्हिप जारी कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे उम्मीदवार के नाम पर व्हिप जारी किया गया। इस तरह चुनाव में आमने सामने खड़े दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में व्हिप जारी हो गया। उल्लेखनीय है कि अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विद्या ताम्रकर ने कांग्रेस की ही सविता मानिकपुरी को एक वोट से पराजित किया था। इस मामले में विधायक साहू ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी सविता मानिकपुरी के खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने का आरोप लगाया था। जिला अध्यक्ष खान सहित उनका साथ देने वाले नेताओं पर कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक साहू ने रायपुर में कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना भी दिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की समझाइश के बाद विधायक का धरना समाप्त हो गया, लेकिन विधायक ने 7 दिन के भीतर अध्यक्ष पर कार्यवाही न होने की स्थिति में फिर से धरने की बात कही है। इस बीच सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें चौकी के भाजपा के पार्षद मोहसिनी खान एवं भाजपा सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया से बात कर रहा है। भाटिया के द्वारा महिला नेत्री साधना सिंह के खिलाफ अर्णगल बातें कही, जिससे शुद्ध होकर महिला नेत्री व कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दोनों आरोपी नेताओं का पुतला दहन करने के बाद अंबागढ़ चौकी में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। प्रणय अग्रवाल एवं सोनू कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।